हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और इस टॉपिक का नाम है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। देखिए, पिछले लेक्चर तक हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ओम्स लॉ के थ्रू डिराइव करना हमने सीखा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह हम सब सीख चुके हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि किसी भी एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को हम कैसे लिखते हैं, उस रेजिस्टेंस को हम लिखते हैं एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इनटू एल बाय ए, राइट। मैंने आपको एक्चुअल जो ओम्स लॉ है वो आपको डिराइव करके बताया था। पहले हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड की थी, उसके बाद फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद एक कंडक्टर हमने कंसिडर किया था जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और जिसमें एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई के प्रेजेंस में। तब डेल्टा टी डी टी टाइम में वो वी डी डी टी डिस्टेंस ट्रेवल करता है और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है ए इंटू वी डी डी टी। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम था, तो उस पूरे वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन है वो एन इंटू ए इंटू वी डी डी टी, और हर एक कैरियर के ऊपर माइनस ई चार्ज होता है, तो माइनस ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज आपका निकल कर आ जाएगा, है ना बच्चों। और यही चार्ज जो है, अगर आप ये आपका चार्ज निकल कर आ गया, अगर इसको आप डी टी से डिवाइड कर देंगे तो करंट आपका निकल कर आ जाता है, और फिर वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमने पुट की थी और हमने पूरा सॉल्व किया था। तो हमारा रेजिस्टेंस जो है वी इज इक्वल्स टू आर इंटू आई के फॉर्म में एक इक्वेशन आया था, जहां से आर की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट की थी। हमने देखा था कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ और एरिया यानी कि ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है, डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है कंडक्टर के, और एम एन ई और टाउ के ऊपर डिपेंड करता है। जहां देखिए, किसी भी एक गिवन कंडक्टर के लिए गिवन टेम्परेचर पे टाउ कांस्टेंट है, ई तो कांस्टेंट होता ही है, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम में गिवन कंडक्टर के लिए कांस्टेंट है, और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, यानी ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ये हमारा कंप्लीटली कांस्टेंट होता है एक फिक्स टेम्परेचर पे। तो इसीलिए हमने इसे एक मटेरियल की प्रॉपर्टी कहा, ये रेजिस्टिविटी एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, राइट। हमने ये डिस्कस किया था यहां तक। अब देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है और ये हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम और रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट है ओम मीटर, ठीक है। फिर हमने कंडक्टिविटी डिफाइन किया था और ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए बेसिकली क्या है, अभी तक जो हमने डिस्कशन किया था वो डिस्कशन हमारा एक कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए था, है ना बच्चों। वो डिस्कशन हमारा एक कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए था कि हम टेम्परेचर को वेरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक नया कंडीशन हम लेकर आ रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर को वेरी करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, ठीक है। अभी तक जो भी मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर स्किप किया है, मिस किया, तो पहले एक बार आप पिछला लेक्चर देख लें, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो अब अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तब क्या होता है, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। देखिए, हम अपने स्टडी में लेंथ और एरिया को मानकर चलते हैं कि वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है रेजिस्टिविटी, इसकी बात करें तो टेम्परेचर को अगर आप चेंज करो तो एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से मास तो नहीं बदलेगा। अच्छा, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वो तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, टेम्परेचर को चेंज करने पर एन भी चेंज नहीं होगा, ई इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज है वो भी चेंज नहीं होगा, और टाउ यहां पर रिलैक्सेशन टाइम है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है उसका एवरेज है, राइट। तो ये जो एवरेज टाइम है कोलिजन का, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा हीट एनर्जी, मतलब ज्यादा एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलने की वजह से वो ज्यादा जल्दी जल्दी मूव करेंगे, ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, तब जल्दी जल्दी टकराएंगे। तो टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाएंगे तो जो टाउ है वो आपका डिक्रीज होगा, और टाउ जब आपका डिक्रीज होगा यानी कि रेजिस्टिविटी जो है इट विल इंक्रीज, या फिर जो रेजिस्टेंस है इट विल इंक्रीज। तो इन केस, इसको आप समझ लीजिए कि इन केस वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इन केस वी इंक्रीज द टेम्परेचर,
तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो बच्चों एम एन और ई जो है ये सारी चीजें हमारी कांस्टेंट रहती हैं, है ना, ये सारी चीजें हमारी कांस्टेंट रहती हैं, बट जो रिलैक्सेशन टाइम है ये हमारा डिक्रीज कर जाता है। आपसे भी पूछे भैया रिलैक्सेशन टाइम क्यों डिक्रीज करता है? देखिए टेम्परेचर, आप लॉजिक दे सकते हैं कि टेम्परेचर को जब हम बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स के पास वो इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से भागेंगे, तो ज्यादा तेजी से भागेंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो ज्यादा कोलिजन होगा उनका, ज्यादा कोलिजन जल्दी जल्दी कोलिजन होगा, यानी कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम जो है वो कम हो जाएगा। सो एज ए रिजल्ट टाउ जो है आपका डिक्रीज हो जा रहा है। तो इसका मतलब यही आया कि टाउ डिक्रीज होने का मतलब क्या कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों इंक्रीज होंगे। ये देखिए टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के, यानी एक लाइन में अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस को जब हम इंक्रीज करते हैं तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो हमारा डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो हमारी रेजिस्टिविटी वो इंक्रीज होती है और जो हमारा रेजिस्टेंस है ये भी इंक्रीज होता है। राइट, ठीक है। तो इसका मतलब एक चीज अब क्लियर है कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस जो है ये दोनों डिपेंड करते हैं टेम्परेचर के ऊपर। तो यहां से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस जो है दोनों टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। राइट, तो अब मान लेते हैं कि टीआई टेम्परेचर पर जो रेजिस्टिविटी है उसको मान लेते हैं कि वो रो आई के बराबर है। ठीक है, हमने क्या मान लिया है कि टी आई टेम्परेचर पर जो रेजिस्टिविटी है वो रो आई के बराबर है, और जब टेम्परेचर हमारा टी आई से चेंज होकर टी आई प्लस डी टी पहुंच जाता है उस केस में जो रेजिस्टेंस हमारा है वो रो एफ हो, रेजिस्टिविटी जो हमारी वो रो एफ हो जाती है। ठीक है, आप समझिए इस बात को, हमने कंसिडर, चूंकि हमने देखा यहां पर कि रेजिस्टिविटी हमारा टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है, तो अगर टेम्परेचर को हम बदल देंगे तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी बदल जानी चाहिए। तो देखिए टी आई टेम्परेचर पर हम मान रहे हैं कि रेजिस्टिविटी किसी भी एक मटेरियल का रो आई है, और टेम्परेचर को हमने चेंज दे डी टी से, हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया है ना, डी टी अगर पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर हमने डी टी से बढ़ा दिया, और डी टी अगर नेगेटिव होगा तो हमने टेम्परेचर को डी टी से डिक्रीज कर दिया है। तो डी टी से हमने टेम्परेचर को चेंज किया तो रेजिस्टिविटी भी हमारे रो आई से रो एफ चेंज हो गई, यानी कि आप देख सकते हो कि यहां पर जो चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर ये हमारा कितना है, चेंज इन टेम्परेचर हमारा डी टी के बराबर है ना, फाइनल माइनस इनिशियल करिएगा तो ये आपका डी टी के बराबर है, और इसको हम लिख देते हैं टी एफ माइनस टी आई। राइट, ये जो टेम्परेचर है इसको मैं फाइनल टेम्परेचर टी एफ कह रहा हूं, और अगर हम बात करें चेंज इन रेजिस्टिविटी की, चेंज इन रेजिस्टिविटी की, तो उसे मैं डी रो सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो कि रो एफ माइनस रो आई के बराबर है। क्लियर है बात? अब समझिए इस बात को कि जो चेंज इन रेजिस्टिविटी, ये जो चेंज इन रेजिस्टिविटी है ये आपके टेम्परेचर में आपने कितना चेंज किया है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप ज्यादा चेंज करेंगे टेम्परेचर में तो रेजिस्टिविटी आपकी ज्यादा चेंज होगी, और अगर आप कम चेंज करेंगे टेम्परेचर पे तो रेजिस्टिविटी जो है आपकी कम चेंज होगी। पहली बात। दूसरी बात कि जो आपका रेजिस्टिविटी कितना चेंज हो रहा है ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि इनिशियल रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या है। यानी अगर सपोज करें कि एक कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टिव, मान लीजिए सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर एक कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टिविटी 8 है और एक कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टिविटी 15 है, और दोनों में अगर आप 50 डिग्री टेम्परेचर चेंज करेंगे तो
जिसकी रेजिस्टिविटी 8 है उसका उसकी रेजिस्टिविटी अलग तरीके से चेंज होगी, और जिसकी रेजिस्टिविटी 15 है उसकी रेजिस्टिविटी अलग तरीके से चेंज होगी। ऐसा नहीं हो कि 8 वाले की रेजिस्टिविटी भी 1 बढ़कर 9 हो जाएगी और 15 वाले की बढ़कर 16 हो जाएगी 50 डिग्री टेम्परेचर के डिफरेंस के लिए। नहीं, डिपेंड करता है कि इनिशियल टेम्परेचर आपका क्या है। अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो हम लिख सकते हैं कि जो चेंज है रेजिस्टिविटी में, जो चेंज है रेजिस्टिविटी में, ये चेंज हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू रो आई इनटू डीटी, राइट। और इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम हटाएंगे तो हमारा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा अल्फा, अल्फा इनटू रो आई डीटी, जहां अल्फा जो हमारा है इसे हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। अल्फा को क्या कहते हैं बच्चों हम लोग? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। What is alpha? Alpha is temperature coefficient. और ठीक है, तो अगर हम दोनों साइड इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट कर दें डी रो को और इधर इंटीग्रेट कर दें अल्फा इंटू रो आई इंटू डी टी को। अब यहां पर हम लोग रेजिस्टिविटी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा इनिशियल रेजिस्टिविटी से फाइनल रेजिस्टिविटी तक इंटीग्रेट होगा। यहां हम टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए इनिशियल टेम्परेचर टीआई से फाइनल टेम्परेचर टीएफ तक ये चेंज होगा। तो ये तो हमारा हो जाएगा रो एफ माइनस रो आई, और ये हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा कांस्टेंट, रो आई एक गिवन टेम्परेचर के लिए कांस्टेंट। तो डीटी जो है ये हमारा हो जाएगा टीएफ माइनस टीआई, राइट। और अब अगर मैं रो आई को इधर भेजू तो रो एफ मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा इक्वल्स टू रो आई प्लस अल्फा इंटू रो आई टी एफ माइनस टी आई। अब इस साइड अगर मैं रो आई को कॉमन ले लू तो इस केस में मेरा जो फाइनल रेजिस्टिविटी है इट बिकम्स इक्वल्स टू रो आई इंटू वन प्लस अल्फा इंटू टी एफ माइनस टी आई, ठीक है। तो जनरली हम लोग जो टीआई है इनिशियल टेम्परेचर जो है उसको जनरली हम लोग रूम टेम्परेचर कंसिडर करते हैं, ठीक है। और रोआई क्या हो जाएगा? रेजिस्टिविटी एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई। तो एक बात आप और समझ लीजिए कि ये अल्फा जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है इसका जो डायमेंशन है, इसका डायमेंशन क्या होगा? इट हैज डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर। जो टेम्परेचर का डायमेंशन है वही इसका डायमेंशन होगा। बोलेंगे कैसे? देखिए यहां पर फॉर्मूला देखिए, डी रो इसका डायमेंशन क्या है? रेजिस्टिविटी का। लेकिन इधर भी एक डायमेंशन रेजिस्टिविटी है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो अच्छा सॉरी, टेम्परेचर इनवर्स। तो इस साइड आपका डी टी बचा, डी टी को इस साइड भेजेंगे तो वन अपॉन डी टी हो जाएगा। तो अल्फा जो है ये रो और रो तो कट जाएगा डायमेंशंस में, तो सिर्फ dt नीचे की तरफ यानी टेम्परेचर का इनवर्स इसका डायमेंशन होगा। और एक चीज और, अल्फा जो है वो कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव होता है। अल्फा की जो वैल्यू है वो कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव होती है, और सेमी कंडक्टर्स के लिए, सेमी कंडक्टर्स के लिए नेगेटिव होती है। क्लियर है? ये बात आप याद रखेंगे। अल्फा की वैल्यू जनरली 10 रेस टू द पावर माइनस 3 के ऑर्डर में होती है। कंडक्टर के लिए पॉजिटिव उसकी वैल्यू होती है और सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होती है उसकी वैल्यू। अच्छा, इस इक्वेशन में जो आपका लिखा है रो एफ इज इक्वल्स टू रो आई इंटू वन प्लस अल्फा टी एफ माइनस टी आई, अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों साइड L अपॉन A से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, सेम नंबर हमने मल्टीप्लाई किया है। अब रो एफ इंटू एल बाई ए क्या हो जाएगा? फाइनल रेजिस्टेंस। और रो आई इंटू एल बाई ए क्या हो जाएगा? इनिशियल रेजिस्टेंस। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर वन और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर टू। ये दोनों समझिए, आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन में
पहला इक्वेशन रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। दूसरा इक्वेशन हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है बच्चों? तो ये बहुत सिंपल सा डेरिवेशन था, ये आपको आना चाहिए, ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, वहां से हमने इसको लिखा है। और हमने देखा कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों जो है वो रिलैक्सेशन टाइम टाउ के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन्स जल्दी जल्दी मूव करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे मूव करेंगे, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। काइनेटिक एनर्जी में चेंज आने की वजह से इलेक्ट्रॉन का दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है उसमें चेंज आएगा। टाइम वो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम टाउ है, यानी टेम्परेचर को आप बदलेंगे तो टाउ आपका चेंज होगा, जिस वजह से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों चेंज होंगे। किस तरीके से? अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, अच्छा देखिए यहाँ पे एक गलत लिख दिया, ये आर नहीं है टी। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ठीक है, तो जो टाउ है ये आपका डिक्रीज होगा, इस वजह से दोनों इंक्रीज होंगे, यानी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों आपके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब दोनों टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं तो कोई ना कोई फॉर्मूला होना चाहिए, कोई ना कोई मैथमेटिकल सपोर्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा डेरिवेशन किया है, हमने कंसिडर किया कि भाई टी आई टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी रो आई है और टी एफ टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी रो एफ है। ठीक है, टेम्परेचर बदल दिया तो भाई रेजिस्टिविटी हमारा बदल गया। तो अब जो टी टाइम में जो टी टेम्परेचर में जो चेंज है डी टी, वो टी एफ माइनस टी आई, और जो रो रेजिस्टिविटी में जो चेंज है वो रो एफ माइनस रो आई है। तो देखा गया है एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन के दौरान कि जो चेंज इन रेजिस्टिविटी है वो कितना आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो इनिशियल रेजिस्टिविटी है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखकर एक कांस्टेंट लिख दिया अल्फा, जहां अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, इसका डायमेंशन टेम्परेचर इनवर्स का होता है, कंडक्टर के लिए ये पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर के लिए ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अब दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए ये हमारा रिजल्ट आ जा रहा है, और फिर वहां से हमने रो आई को कॉमन लिया तो ये रिजल्ट आ गया, और इन दोनों साइड में अगर एल बाई ए हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 2 आ जाता है। इसको अच्छे से समझ के नोट कर लीजिए, तो 2-3 सवाल जो है इसके ऊपर हम लोग करते हैं ताकि हमें और बेहतर तरीके से समझ में आए। नोट कर ले बच्चों, चलिए बच्चों एक सवाल देखते हैं, एक न्यूमेरिकल है, मेरे साथ आप न्यूमेरिकल पहले नोट करते चलें। न्यूमेरिकल कह रहे हैं कि एट व्हाट टेम्परेचर वुड रेजिस्टेंस ऑफ At what temperature would resistance of copper be double its resistance at 0 degree Celsius? अल्फा जो है कॉपर के लिए वो आपको दे रखा है 3.9×10⁻³ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। चलिए बच्चों ये सवाल समझते हैं कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर वुड रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, किस टेम्परेचर पे जो कॉपर का रेजिस्टेंस है वो डबल हो जाएगा देन इट्स रेजिस्टेंस एट 0 degree Celsius। यानी 0 degree Celsius पर कॉपर का जो भी रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, तो एक तो आपको मेंशन कर रखा है, समझिए इस बात को, आपको कह रखा है कि 0 degree Celsius पे जो भी टेम्परेचर जो भी रेजिस्टेंस कॉपर का है उसका डबल रेजिस्टेंस जो है वो किस टेम्परेचर पर होगा। तो मान लेते हैं कि जब टेम्परेचर आपका 0 degree Celsius है,
उस वक्त जो रेजिस्टेंस है कॉपर का, उसको क्या मान ले बच्चों, आर के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। और अब कह रहा है कि रेजिस्टेंस डबल हो गया है, यानी कि अब नए केस में जो रेजिस्टेंस है कॉपर का वो डबल होने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस अब 2 × R हो गया है। और किस टेम्परेचर पर हुआ है ये आपसे पूछ रहा है, और आपको गिवन है कि जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है कॉपर का वो आपका 3.9 × 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इनवर्स के बराबर है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला सीखा था कि फाइनल रेजिस्टेंस जो है वो होता है इक्वल्स टू इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 1 + α इनटू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए फाइनल टेम्परेचर क्या कह रहा है, 2R के बराबर, और इनिशियल टेम्परेचर 0 °C पे, सॉरी फाइनल रेजिस्टेंस 2R के बराबर है और इनिशियल रेजिस्टेंस जो R के बराबर है, ब्रैकेट में लिख देंगे 1 + α की जगह 3.9 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई फाइनल टेम्परेचर हमें पता नहीं है और इनिशियल टेम्परेचर हमारा 0 है तो -0 तो इतना ही रहेगा, ठीक है बच्चों। ये R से ये R कट जाएगा, ठीक है, और 1 + 3.9 × 10⁻³ × φ ये हमारा 2 के बराबर है, राइट। इस साइड 2 है तो ये प्लस 1 को इधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा ना, तो ये हमारा -1 इधर होकर आ जाएगा, यानी कि 2 − 1 1 के बराबर हो गया। और यहां से अगर आप फाइनल टेम्परेचर लिखना चाहें तो ये आपका हो जाएगा 1 / 3.9 × 10⁻³ नीचे आ जाएगा 3.9 × 10⁻³ जिसे आप लिख सकते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, ठीक है। 10⁻³ को ऊपर भेजेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, तो 10 और यहां पर 10⁻³ आ जाएगा, इसमें से एक जीरो में यहां पर लगा दे रहा हूं और यहां पर 10⁻² लिख दे रहा हूं, डिवाइडेड बाई 39, तो 39 × 2 = 78, बाकी बचा 22 × 210, यानी कि 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 5 टाइम्स आपका हो गया 195, तो बचा आपका 25, यानी कि 250, यानी कि 6 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2.56 × 10⁻² डिग्री सेल्सियस। इसको आप चाहें तो फाइनल टेम्परेचर लिख सकते हैं 256 °C। तो 256 °C है बच्चों जो कॉपर वायर का रेजिस्टेंस है वो 0 °C पर जो रेजिस्टेंस है उसके डबल हो जाएगा, क्लियर है। तो हमने किया कुछ नहीं, जितना रेजिस्टेंस 0 °C पे उसको हमने आर मान लिया। अब कह रहा है कि इसका डबल रेजिस्टेंस किस टेम्परेचर पर होगा, तो फॉर्मूला पुट किया, वैल्यूज पुट किया और सॉल्व किया हमने, इसको आप नोट कर लीजिए। बच्चों सवाल में थोड़ा सा चेंज है, ये आपको घर पे प्रैक्टिस करना है खुद से। क्वेश्चन कह रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर वुड रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम बी हाफ इट्स रेजिस्टेंस एट 0 °C, ठीक है। 0 °C पर चलिए, या फिर 0 °C की जगह हम लोग यहां पर इसको 20 °C कर देते हैं, ठीक है। नाइक्रोम के लिए अल्फा की वैल्यू गिवन है, इसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा, नोट कर लें। बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है अ नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट, क्वेश्चन मेरे साथ नोट करते चले, बड़ा क्वेश्चन है, अ नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट कनेक्टेड टू टू 220 वोल्ट
draws current (2.2 ampere) which settles to a steady value of 2 ampere. Find steady temperature of heating element. ठीक है, तो आपको अल्फा नाइक्रोम के लिए दे रखा है, ठीक है बच्चों। चलिए एक सवाल इस तरीके का देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट हमारे पास है, एक नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट हमारे पास है जिसे हमने 220 वोल्ट सप्लाई से जब कनेक्ट किया तब शुरुआत में वो 2.2 एम्पीयर करंट ले रहा था, लेकिन हुआ क्या, जब करंट उसके थ्रू फ्लो कर रहा था तब जो नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट है वो गर्म हो गया, गर्म होने की वजह से उसका टेम्परेचर चेंज हुआ और टेम्परेचर चेंज होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस चेंज हुआ और रेजिस्टेंस बदलने की वजह से करंट की वैल्यू चेंज हुई। तो रेजिस्टेंस बदलता चला गया, करंट बदलते बदलते 2 एम्पियर तक करंट की वैल्यू चेंज हुई, उसके बाद करंट आपका कांस्टेंट हो गया, यानी रेजिस्टेंस भी आपका कांस्टेंट हो गया। तो कह रहे हैं कि वो कौन सा टेम्परेचर था जहां पर पहुंचने के बाद रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, रेजिस्टेंस कांस्टेंट यानी टेम्परेचर भी कोई ना कोई वैल्यू होगी जो कांस्टेंट हो गई होगी, तो वो टेम्परेचर की वैल्यू पूछ रहे हैं आपको। नाइक्रोम के लिए अल्फा दे रखा है 1.7 × 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस। तो देखिए यहां पर हमें गिवन क्या क्या है इसको जरा समझते हैं। देखिए इस इक्वेशन में हमें एक तो गिवन है कि 220 वोल्ट जो वोल्टेज सप्लाई हमारा है वो 220 वोल्ट के बराबर है, राइट। और जो इनिशियल करंट है, जो इनिशियल करंट है वो आपका 2.2 एम्पीयर है। तो जो इनिशियल रेजिस्टेंस होगा बच्चों वो क्या होना चाहिए, जो पावर सप्लाई से वोल्टेज जो हम भेज रहे, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इनिशियल करंट, यानी 220/2.2, ये हमारा हो गया इक्वल्स टू 100 ओम। समझ रहे इस बात को आप? जो V हमारा है वो 220 वोल्ट है और इनिशियल टेम्परेचर 2.2 एम्पियर है, तो इनिशियल रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया 100 ओम। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये सेटल हो जा रहा है बाद में 220 वोल्ट सप्लाई के लिए जो करंट आपका है वो सेटल हो जा रहा है 2 एम्पियर पे, तो जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो हमारा हो जाएगा V अपॉन I फाइनल। V हमारा कितना है 220/2, यानी कि ये हमारा हो गया 110 ओम, राइट। इनिशियल रेजिस्टेंस 100 ओम, फाइनल रेजिस्टेंस 110 ओम। देखिए रेजिस्टेंस बदल रहा है यानी टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, रेजिस्टेंस कब चेंज होता है, जब टेम्परेचर चेंज होता है, तो टेम्परेचर यानी कि चेंज हो रहा होगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि फाइंड स्टेडी टेम्परेचर, आपको अल्फा की वैल्यू भी गिवन है, एक तो आपके पास रेजिस्टेंस मिल गया इनिशियल और फाइनल, एक आपको अल्फा की वैल्यू गिवन है कि भैया अल्फा हमारा 1.7 × 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस के बराबर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है बच्चों, आपने निकालना है कि भैया जो फाइनल स्टेडी टेम्परेचर है वो स्टेडी टेम्परेचर हमारा क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है इस क्वेश्चन में, जो रूम टेम्परेचर है बच्चों, रूम टेम्परेचर वो दिया हुआ 30 डिग्री सेल्सियस।
अच्छा रूम टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है? इसका यही मतलब है कि जब आपने शुरुआत किया हीट पास करना, उस वक्त जो इनिशियल टेम्परेचर था, वो हमारा 30 डिग्री सेल्सियस ही होगा भाई। स्टार्टिंग का टेम्परेचर क्या होगा? जो रूम का टेम्परेचर होगा। फिर तो जब आपने हीट पास, करंट पास किया, तब तो वो टेम्परेचर बदलेगा ना। तो इसीलिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, आर फाइनल इज इक्वल्स टू आर इनिशियल इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। यही फॉर्मूला होता है हमारा वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर का। अगर मैं आर इनिशियल को इधर भेज दूं, तो ये मेरा हो जाएगा आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल, और ये +1 इधर आकर हो जाएगा -1। तो क्या एलसीएम लेंगे तो हम लिख सकते हैं आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन आर इनिशियल इज इक्वल्स टू अल्फा इनटू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। और यहां से लिखा जा सकता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल्स टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन आर इनिशियल, और ये अल्फा यहां मल्टीप्लीकेशन में इधर आकर डिवीजन में हो जाएगा, राइट। और ये जो माइनस टी इनिशियल है, इसको अगर हम इधर भेजें तो ये हो जाएगा प्लस टी इनिशियल। ठीक है, इस प्लस टी इनिशियल को मैं स्टार्टिंग में लिख देता हूं। ये फॉर्मूला होगा हमारा बच्चों। अब इसमें जरा वैल्यूज पुट कर देते हैं। फाइनल टेम्परेचर तो हमसे पूछ रहा है 30 डिग्री सेल्सियस प्लस आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। देखिए फाइनल रेजिस्टेंस कितना है, 110 माइनस 100 यानी कि 10 अपॉन आर इनिशियल हमारा है 100 इंटू अल्फा की वैल्यू 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -4। एक जीरो हमारा कट जाएगा, ये हमारा हो गया इक्वल्स टू 30 प्लस नीचे है 10 इंटू 1.7, तो नीचे आ जाएगा आपका 17, और 10 रेज ऑफ -4 ऊपर जाएगा, 10 रेज ऑफ 4 बन जाएगा, उसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। लिख सकते हैं बच्चों। तो फाइनल टेम्परेचर जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 30 प्लस, अगर आप कट करेंगे 17 को तो 17 5 होता है 85, कैरी बचा 15। ठीक है, उसके बाद फिर 17 8 सा, तो 5.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 यानी ये आपका हो गया 8 8, इस तरीके से कुछ आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 588 प्लस 30 यानी कि फाइनल टेम्परेचर हमारा निकल कर आ गया 618 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, हमने किया कुछ नहीं, बस जो पोटेंशियल था उसे कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया। रेजिस्टेंस बदल रहा है यानी टेम्परेचर बदल रहा होगा। इनिशियल टेम्परेचर जिस वक्त आपने करंट सप्लाई करना शुरू किया था उस वक्त रूम टेम्परेचर 30 डिग्री दिया हुआ है, फाइनल टेम्परेचर आपको निकालना है। इसको आप नोट कर लें बच्चों। बच्चों ये आपके लिए सवाल है, घर पे इसको ट्राई करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक टोस्टर, और उस इलेक्ट्रिक टोस्टर में हम लोग नाइक्रोम कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जब हम नेग्लिजिबली स्मॉल करंट पास करते हैं, जब हम बहुत कम करंट पास करते हैं, तो उस टाइम पे यानी शुरुआत में, ठीक है, आप टोस्टर को कनेक्ट करोगे तो उस वक्त तो रूम टेम्परेचर होगा, उसी टाइम पे तो नेग्लिजिबली स्मॉल करंट पास करेगा ना, फिर धीरे धीरे तो टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, करंट आपका बढ़ता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। तो जब नेग्लिजिबली स्मॉल करंट आप पास करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, 75.3 ओम है 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, यानी कि रूम टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर आपको दे रखा है। इसको आप घर पे ट्राई करिएगा। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर आपको दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, और उस पर जो रेजिस्टेंस आपको दे रखा है वो है 75.3 ओम, राइट। उसके बाद कहता है कि जब हम इस टोस्टर को 230 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, इस टोस्टर को जब आप 230 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तब इसमें जो करंट है वो कितना होता है, 2.68 बन जाता है करंट, फिर ये करंट कांस्टेंट हो जाता है 2.68
2.68 एम्पियर। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ नाइक्रोम। तो करना कुछ नहीं है आपको, इनिशियल तो जब रूम टेम्परेचर था उस वक्त पे रेजिस्टेंस आपको गिवन था, फिर कह रहा है कि जब हम 230 वोल्ट का सप्लाई करते हैं तब करंट हमारा इतना बन जाता है। तो रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं कि जब करंट सेटल हो जा रहा है तब फाइनल रेजिस्टेंस क्या है, वो फाइनल रेजिस्टेंस निकाल लीजिएगा और उस रेजिस्टेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर आपसे पूछ रहे हैं। फॉर्मूला आपको पता है, इसको पुट ऐसा करते हैं, इस सवाल को हम लोग यही करते हैं, आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है, पिछला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही था जो हमने किया था। तो इनिशियल टेम्परेचर और इनिशियल रेजिस्टेंस आपको गिवन है, फिर कह रहा है कि अब आपने क्या, अब आप करंट सप्लाई करते चले जा रहे हैं, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, करंट आपका बढ़ता चला जा रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि वहां पर चार्जेस ज्यादा टकरा रहे हैं, ज्यादा हीट जनरेट हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा कब तक होगा, कह रहा है कि भाई 2.68 एम्पियर होने पर करंट आपका स्टेडी हो गया। तो करंट स्टेडी हो गया इसका मतलब कि वोल्टेज स्टेडी है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। रेजिस्टेंस अगर नहीं बदल रहा है यानी टेम्परेचर भी आपका स्टेडी हो गया, वही स्टेडी टेम्परेचर जो आपसे पूछ रहा है। तो यहां पर ऐसा करते हैं कि V और I गिवन है, तो क्या हम लोग R निकाल सकते हैं, फाइनल रेजिस्टेंस V अपॉन I से, ये हो गया 230 अपॉन 2.68। ठीक है, अब ये आपका कुछ आएगा 90 समथिंग, एक बार मैं देख लेता हूं, अच्छा 85.8 ओम, ये आपका आ रहा है 85.8 ओम। तो फाइनल रेजिस्टेंस आपका 85.8 ओम है। अल्फा नाइक्रोम के लिए दे रखा है 1.7 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, और आपसे कह रहा है कि भैया फाइनल टेम्परेचर जो है वो हमें कैलकुलेट करके आप बताइए। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला वही यूज करेंगे कि फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, राइट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर आप आर आई को इधर भेज दें तो ये आर एफ अपॉन आर आई हो जाएगा, और फिर 1 को उधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा अल्फा इंटू टी एफ माइनस टी आई इज इक्वल टू आर एफ अपॉन आर आई माइनस 1। एलसीएम लेंगे, ये पिछले क्वेश्चन हमने किया था, आर एफ माइनस आर आई अपॉन आर आई, और अल्फा को भी इधर आप ला सकते हैं तो अल्फा यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना बच्चों। तो यहां से फाइनल टेम्परेचर जो आपका है वो हो जाएगा इक्वल्स टू आर एफ माइनस आर आई अपॉन अल्फा इंटू आर आई, और माइनस टी आई जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस टी आई के बराबर। ठीक है, तो यहां से अगर हम फाइनल टेम्परेचर की बात करें तो क्या ये आर एफ माइनस आर आई फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यानी 85.8 माइनस 75.3 डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू आर आई, अल्फा कितना है 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 इंटू आर आई, यानी कि 75.3, और फिर ये हो जाएगा प्लस टीआई। इनिशियल टेम्परेचर हमारा कितना है, इनिशियल टेम्परेचर हमारा 27 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 10.5 अपॉन 75.3 इंटू 1.7 और ऊपर 10 रेज टू द पावर 4 होगा प्लस 27 होगा। आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, फाइनल टेम्परेचर आपका निकल कर आ जाएगा 847 डिग्री सेल्सियस, 847 डिग्री सेल्सियस, यानी 847 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस है वो आपका कांस्टेंट हो जा रहा है, करंट आपका स्टेडी हो जा रहा है। चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, इसी सवाल में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, आपके घर पे प्रैक्टिस करने के लिए है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है जो कि नाइक्रोम यूज करते हैं,
जब नेग्लिजिबली स्मॉल करंट हम पास करते हैं तब जो रेजिस्टेंस है रूम टेम्परेचर पे वो 64 ओम है। अब कह रहे हैं कि जब हम टोस्टर को 230 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो करंट स्टेडी हो जाता है 760 डिग्री सेल्सियस, यानी इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, कैलकुलेशन आपका आसान करने के लिए इसको हम लोग 267 डिग्री सेल्सियस कह देते हैं। ठीक है, ताकि डिफरेंस आपका 740 आ जाए। तो इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर आपको गिवन है, अल्फा गिवन है, तो आपको करना क्या है कि आप फाइनल रेजिस्टेंस निकाल लीजिएगा और आपको वोल्टेज गिवन है, करंट आप निकाल लीजिएगा। चलिए बच्चों इसको नोट कर लें। एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए अभी तक हमने जो सवाल किए हैं वो हमने किया था रूम टेम्परेचर पे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमें लगता था और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर हम लोग कर लेते थे, लेकिन जरूरी नहीं कि हर सवाल में आपको रूम टेम्परेचर को लेकर ही क्वेश्चन जो है बनाया गया हो सकता है कोई दूसरे टेम्परेचर की भी बात करते जैसे इस सवाल में कर रहे हैं, उसको कैसे करेंगे इसको भी सीख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा था रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन फिलामेंट, क्वेश्चन नोट करते चले मेरे साथ, द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन फिलामेंट एट 150 डिग्री सेल्सियस, एट 150 डिग्री सेल्सियस इज 133 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन फिलामेंट एट 150 डिग्री सेल्सियस इज 133 ओम, व्हाट विल बी इट्स टेम्परेचर at 500 degree centigrade। ठीक है, टंगस्टन के लिए जो अल्फा है ये आपको दे रखा है 4.5 × 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो टंगस्टन रेजिस्टेंस जो है टंगस्टन फिलामेंट का वो 150 डिग्री सेल्सियस पे इतना है, तो 500 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा। रूम टेम्परेचर कहीं जिक्र नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग जो सवाल करेंगे उसको रूम टेम्परेचर को कंसिडर करते हुए ही करते हैं हम लोग जनरली। तो देखिए इसमें क्या समझने वाली बात है, इसका भी एक प्रोसेस है, इसको आप समझ लीजिए तो फिर इस तरीके के सारे सवाल जो है आपसे बन जाएंगे। तो कह रहे हैं कि जब टेम्परेचर हमारा 150 डिग्री सेल्सियस है उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस हमारा है, यानी रेजिस्टेंस एट 150 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा कितना है 133 ओम। तो कह रहा है कि जब टेम्परेचर हमारा 500 डिग्री होगा उस टाइम पर रेजिस्टेंस हमारा कितना होना चाहिए। ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहा मैं 500 या 150, ये सबस्क्रिप्ट में है। ठीक है, 150 या 500, तो 150 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस है वो 133 ओम है, तो 500 डिग्री सेल्सियस पे क्या होना चाहिए, अल्फा जो है आपको टंगस्टन का ये गिवन है 4.5 × 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो देखिए पहले हम लोग जो पहला पार्ट है इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है बच्चों, पहले पार्ट में अब मान लेते हैं कि रूम टेम्परेचर हमारा टी, लेट क्या मान लेते हैं रूम टेम्परेचर को टी, और इस रूम टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग मान लेते हैं आर नॉट। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर रूम टेम्परेचर को हमने मान लिया है टी, ऑलराइट।
और जो रेजिस्टेंस है इसको हमने मान लिया है, आर नॉट। ठीक है। ऐसा करते हैं, इस टेम्परेचर को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं अपने सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। तो पहले केस में हमारा क्या बनेगा, फॉर्मूला हमारा होता है फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, या रूम टेम्परेचर ना कह के आप इसको कह दीजिए कि लेट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू आर नॉट, ठीक है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस जो हमारा स्टैंडर्ड है इसको कंसिडर करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आर एफ इज इक्वल्स टू आर आई इंटू 1 प्लस अल्फा टी एफ माइनस टी आई, यही फॉर्मूला होता है। तो हम लोग अगर सपोज करो कि इनिशियल जो फाइनल टेम्परेचर है, पहले कंडीशन वाला टेम्परेचर कितना दिया हुआ 150 डिग्री सेल्सियस, और जो इनिशियल टेम्परेचर है उसको मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, आर एफ की जगह हम कितना लिखेंगे 133 ओम, क्योंकि ये 150 डिग्री सेल्सियस है ना टेम्परेचर, इसे कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर 133 ओम इज इक्वल्स टू आर नॉट, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस आर नॉट है, इंटू 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 4.5 इंटू 10^-3, टी एफ की वैल्यू है 150 और टी आई की वैल्यू यहां पर हमने 0 मान रखा है, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट केस में फाइनल टेम्परेचर को 500 डिग्री सेल्सियस माने और जो स्टार्टिंग का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस माने, तब तो हमारा क्या हो जाएगा, जो सॉरी 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 व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस, है ना, यहां गलत लिख दिया है, व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस, तो यहां रेजिस्टेंस हमने मान रखा है उसका R500, ये हो जाएगा इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू है 4.5 इंटू 10^-3 इंटू टी एफ हमारा है 500 और टी आई हमारा है 0, राइट। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा बच्चों, R500 अपॉन 133 इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस 4.5, यहां डेसिमल हटाई 10 आ जाएगा, 10 इससे गया 45 इंटू 5 होता है 225, यानी ये हो गया 225 0, और 10^-3 यानी कि 10^3 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 2.250, राइट, डिवाइडेड बाय क्या क्या, मैंने 1 की जगह 1 लिखा, 45 में जो डेसिमल था उस डेसिमल को मैंने हटा दिया तो नीचे 10 आएगा, ये 10 इस 0 से गया तो 50 बचा, 45 इंटू 5 होता है 225, एक 0 है तो 2250 हो गया, और 10^-3 करेंगे तो डेसिमल हमारा यहां आ जाएगा, इंटू आर नॉट 1 प्लस, अब यहां पर से डेसिमल हटाइए, ठीक है, 45 इंटू 15, 45 इंटू 15 कितना हो जाएगा 675, 45 टेन्स आर 450 और 45 फाइव्स आर 225, तो 450 और 225 हो जाएगा 675, और 10^-3 से करेंगे तो 0.675, है ना। तो यहां से आपका आर, ये आर नॉट से आर नॉट कट गया, R500 कितना आ जाएगा आपका 133 मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3.25 डिवाइडेड बाय 1.675, डेसिमल हटाइए यहां 100 आ गया, ये डेसिमल हटाइए यहां पे 100 आ गया, सॉरी 1000 आ गया, तो 2 जीरोस तो ऐसे ही कट जाएंगे, राइट। और आप चाहें तो इसको कट कर सकते हैं 5 से 2 टाइम्स, ये 5 से जाएगा आपका 3 टाइम्स 15, फिर 1717, फिर 3 से, ठीक है, फिर बचा 2 तो 25, यानी कि 5 टाइम्स, है ना। तो ये हमारा हो गया R500, हमारा हो गया 133
इंटू 325। अच्छा और भी कटेगा, ये 5 से जाएगा ना, ये 5 से कट होगा तो कितना बचेगा हमारा, 5 से कट होने पे 5 6 जा 30, 2 बचा 25 यानी कि 5 टाइम्स। और ये जब 5 से जाएगा तो 5 6 जा 30 ठीक है, और फिर 3 बचा 35 यानी 67 राइट। तो ये हमारा हो गया 130, 65 इंटू 2 होता है हमारा 130, तो 133 इंटू 130 अपॉन 67 राइट। अब 67 का डबल जो होता है वो होता है आपका 134, ये आपका 133 यानी लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली ये 2 के बराबर होगा, यानी अप्रोक्सीमेटली ये आपका 130 इंटू 2 यानी कि 260 ओम के बराबर रेजिस्टेंस होना चाहिए 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ठीक है। आंसर आपका 258 है अप्रोक्सीमेटली, तो हमने अप्रोक्सीमेट लिया तो 260, ये 1.9 समथिंग होगा ठीक है। चलिए इसको अगर हम लोग एग्जैक्टली लिख लें तो क्या, चलिए छोड़िए अप्रोक्सीमेट में छोड़ देते हैं ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या समझा कि हमें कोई रूम टेम्परेचर दिया नहीं था, इसलिए एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमें कंसिडर करना था, उस स्टैंडर्ड टेम्परेचर को हमने 0 डिग्री सेल्सियस माना, उस पर हमने मान लिया कि रेजिस्टेंस आर नॉट है ठीक है। तो करें क्या कि पहले जो इनिशियल कंडीशन दे रखा है उसको इस कंडीशन के साथ लेकर एक फॉर्मूला बनाना है, फिर जो फाइनल कंडीशन दे रखा है उसको लेकर एक फॉर्मूला बनाना है, और फिर दोनों फॉर्मूले बन गए, दोनों इक्वेशन को यूज करके 500 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको नोट कर ले बच्चों। ठीक है बच्चों, तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, आखिरी वाले टाइप का जो क्वेश्चन हमने किया है वो वैसे कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने एंड से कुछ दो चार क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग धीरे धीरे रेजिस्टेंस और बैटरी सेल्स किरचॉफ्स लॉ की तरफ बढ़ेंगे, उसकी तैयारी अगले लेक्चर से हम शुरू कर देंगे। यहां तक का जो भी टॉपिक था वो एक पार्ट हो गया आपके इस चैप्टर का, उस पार्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अब अगला पार्ट जो हमारा आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये सारे पार्ट्स आपके जब कंप्लीट हो जाएंगे अच्छे से तो उसके लिए आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी ठीक है। चलिए तब तक आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई जरूर करें, ये टॉपिक यहां तक कंप्लीट कर लें, अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। बाय बाय।